हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू टू बैंकिंग आई क्यू। और बैंकिंग आई क्यू में आज हम लोग बात करेंगे 14 मार्च 2019 के सारे करंट अफेयर। ये वीडियो होगा हिंदी में और आज मैंने एक GS और GK पे MCQ अपलोड किया है जो कि है RRB NTPC यानी रेलवेज़ के लिए जो 2019 में होने वाला है। और एक वीडियो अपलोड किया है बोइंग विमान के कंट्रोवर्सी पे जो कंट्रोवर्सी अभी चल रहा है। ओके सो मैंने दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखें। और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया है रेलवेज़ के लिए, रेलवे एग्ज़ाम के लिए, उसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। तो उस प्लेलिस्ट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया, तो आप वहाँ से देख सकते हैं वो वीडियो। ओके तो मेरा नाम है कुमार गौरव, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। सो पहला सवाल है, वेंकैया नायडू अलॉन्ग विद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पैराग्वे दैट इज ह्यूगो वेलास्क्वेज अनवील्ड अ स्पेशल कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प ऑन। तो वेंकैया नायडू जो कि भारत के 13वें वाइस प्रेसिडेंट हैं, ओके, और ये अपने काउंटर पार्ट के साथ, पैराग्वे के काउंटर पार्ट जो कि वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ के ह्यूगो वेलास्क्वेज, इन्होंने एक स्पेशल कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प का अनावरण किया है। तो ये पोस्टेज स्टैम्प किन पे है? तो ये पोस्टेज स्टैम्प है महात्मा गांधी पे, ओके, और ये अनवील्ड जो हुआ है पोस्टेज स्टैम्प, ये महात्मा गांधी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए हुआ है, ओके, और 2019 महात्मा गांधी का 150वां बर्थ एनिवर्सरी ईयर मनाया जा रहा है, तो आप याद रखेंगे। और वेंकैया नायडू ये पैराग्वे और कोस्टारिका के दौरे पे थे, और ये किसी भी हाई प्रोफाइल इंडियन का पहला दौरा है पैराग्वे और कोस्टारिका को, ओके, और पैराग्वे की कैपिटल है असुनसियोन, ओके, और करेंसी है गुयारानी, तो आप याद रखेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एक्सिस बैंक? तो एक्सिस बैंक के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो एक्सिस बैंक जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसे यहाँ का एक्सिस बैंक का टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी, ओके, तो एक्सिस बैंक के नए चेयरमैन बने हैं राकेश मखीजा और राकेश मखीजा जगह लेंगे संजीव मिश्रा का, ये लेंगे संजीव मिश्रा का जगह। और CMD हैं एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी, और दीपक पारेख ये CMD हैं ये चेयरमैन हैं HDFC बैंक के, और HDFC बैंक के CMD हैं आदित्य पुरी। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल इन्फ्लुएंजा स्ट्रेटजी फॉर 2019-30? तो 2019 से 2030 के लिए ग्लोबल इन्फ्लुएंजा स्ट्रेटजी कौन से ऑर्गेनाइजेशन, कौन से संस्था ने रिलीज किया है? तो ये संस्था है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा में, और जिनेवा है स्विट्जरलैंड में, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के DG यानी डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रोस एधनॉम, और डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल एज वेल एज चीफ साइंटिस्ट WHO की हैं सौम्या स्वामीनाथन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम हैड टॉप्ड ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग विथ 135 पॉइंट? तो 135 अंकों के साथ किस क्रिकेट टीम ने ICC T20 इंटरनेशनल के रैंकिंग में टॉप किया है? तो ये टॉप करने वाली टीम है पाकिस्तान, यह है पाकिस्तान T20 इंटरनेशनल में नंबर एक टीम है, और ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो आप याद रखेंगे। अब्दुल बिन अहमद अल जुबेर मेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन दिल्ली, ही इज़ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ। सो अब्दुल बिन अहमद अल जुबेर, इनकी मीटिंग हुई है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और सुषमा स्वराज से भी इनकी एक मीटिंग हुई है जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत की, ओके, तो ये फॉरेन मिनिस्टर कहाँ के हैं? तो अब्दुल बिन अहमद अल जुबेर ये फॉरेन मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के, ये हैं सऊदी अरेबिया के, और सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, ये भी भारत के पहले ऑफिशियल विजिट पे थे 2 दिन के, तो आप याद रखेंगे। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद और करेंसी है रियाल, ओके। इंडियाज़ फर्स्ट LGBTQ क्लिनिक एंड HIV ट्रीटमेंट सेंटर इनोग्रेटेड बाई हमसफ़र ट्रस्ट इन विच स्टेट? तो भारत का पहला LGBTQ क्लिनिक और HIV ट्रीटमेंट सेंटर, इसका उद्घाटन किया गया है हमसफ़र ट्रस्ट के द्वारा कौन से राज्य में? तो LGBTQ का फुल फॉर्म होता है, L से होता है लेस्बियन, G से गे, B से बाईसेक्सुअल, T से ट्रांसजेंडर, और Q से होता है क्विरिक, ओके। तो LGBTQ क्लिनिक और HIV ट्रीटमेंट सेंटर, इसका उद्घाटन किया गया है हमसफ़र ट्रस्ट के द्वारा मुंबई में, और मुंबई कहाँ है? तो मुंबई है महाराष्ट्र में, ओके, मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यून वायरस, जो कि एड्स का कारक होता है, ठीक है, और एड्स यानी अक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, और हम लोग एड्स डे ऑब्जर्व करते हैं 1 दिसंबर को हर साल। विच ईयर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज UAE ईयर ऑफ टॉलरेंस बाई UAE गवर्नमेंट? तो UAE गवर्नमेंट यानी कि संयुक्त अरब इमारात की जो सरकार है, उसने कौन साल को अपने टॉलरेंस का ईयर घोषित किया है? तो इसने UAE गवर्नमेंट ने 2019 को UAE ईयर ऑफ टॉलरेंस घोषित किया है, और UAE का कैपिटल है
अबू धाबी और करेंसी है दिरहम। विच कंट्री इलेक्टेड एज डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द जनरल बॉडी ऑफ PUIC इन रबाट मोरक्को। तो PUIC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है पार्लियामेंट्री यूनियन ऑफ द OIC मेंबर स्टेट। ओके, और ये अभी इसके डेप्यूटी चेयरमैन का चुनाव हुआ है और जो कंट्री एज डेप्यूटी चेयरमैन इसमें इलेक्ट हुआ है वो है पाकिस्तान, वो है पाकिस्तान। ओके, और ये जो चुनाव था ये हुआ था रबाट में और रबाट मोरक्को की राजधानी है। और OIC का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन। और आप याद रखेंगे कि UNO के बाद OIC दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जो मेंबर हैं वो हैं 57 कंट्रीज़। ओके, 57 कंट्रीज़ के मेंबर हैं। और OIC का जो अभी रिसेंट समिट कॉन्क्लूड हुआ है जो कि 1 मार्च को स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वो कॉन्क्लूड हो चुका है। और ये मीटिंग हुई थी अबू धाबी में और इसमें जो गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर इन्विटेशन मिला था, जो गेस्ट ऑफ ऑनर थी वो थी हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, और जिसके कारण पाकिस्तान ने इस मीटिंग से बॉयकॉट कर दिया था। विच बैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू लॉन्च अ चाइल्ड डे केयर फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रेन ऑफ इट्स एम्प्लॉय। तो अपने कर्मचारियों के बच्चों के लिए कौन से पहले पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने चाइल्ड डे केयर फैसिलिटी को लॉन्च किया है, को इंट्रोड्यूस किया है। तो ऐसा करने वाला पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बना है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा और देना बैंक और विजया बैंक, ये दोनों बैंक को मर्ज किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में। और बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है बड़ौदरा गुजरात में और टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। और बैंक ऑफ बड़ौदा के CMD हैं PS जयकुमार। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एग्रीकल्चरल साइंटिफिक रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो एग्रीकल्चरल साइंटिफिक रिक्रूटमेंट बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो नए अध्यक्ष बने हैं आदित्य मिश्रा। आदित्य मिश्रा को नियुक्त किया गया है और राधा मोहन सिंह ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं भारत के और PK सिन्हा, प्रदीप कुमार सिन्हा ये कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। केली कैटलिन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम US डाइज एट 23। सी वॉज तो केली कैटलिन ये इनका निधन हो गया है 23 साल में और ये US की थी और ये एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थी। ओके, जो रियो डे जेनेरो में ओलंपिक हुआ था वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ओके, तो ये कौन से खेल से संबंध रखती हैं, तो ये एक साइकिलिस्ट थी, ये एक साइकिलिस्ट थी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डेट इज़ NCRB हैड सेलिब्रेटेड इट्स 34th इंसेप्शन डे। और तो NCRB ने अपना 34वां रेजिंग डे यानी इंसेप्शन डे मनाया है। तो ये कब मनाया, तो ये मनाया गया है 11 मार्च को, यानी 11 मार्च को ये NCRB ने अपना 11 मार्च 2019 को NCRB ने अपना 34वां इंसेप्शन डे मनाया है। और 10 मार्च 2019 को CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 50वां रेजिंग डे मनाया था। और CISF का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल हैं राजेश रंजन। ओके, और ये जो फंक्शन हुआ था इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट थे और ये जो फंक्शन हुआ था वो हुआ था गाजियाबाद UP में। ओके, और NCRB में चीफ गेस्ट थे राजीव गाबा। ओके, राजीव गाबा जो कि यूनियन होम सेक्रेटरी हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर थे राजीव जैन जो कि डायरेक्टर हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग हैज़ बीन अकॉर्डेड टू सिल्क सारीज ऑफ। तो अभी अभी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है सिल्क सारी को। ओके, और ये सिल्क सारी है थिरुभुवनम की, थिरुभुवनम, और थिरुभुवनम है तमिलनाडु में। ओके, ये तमिलनाडु में है, तिरुवनंतपुरम नहीं है, ये तिरुपुर भी है तमिलनाडु में और थिरुभुवनम भी है तमिलनाडु में। और वाराणसी है UP में और भागलपुर है बिहार में। नलिनी नेट्टो क्विट्स एज CM's प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन विच स्टेट। तो नलिनी नेट्टो ने CM के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे इस्तीफा दे दिया है। तो ये कौन से राज्य के CM की प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी, तो ये केरला के CM की प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी, केरला। और केरला के CM कौन है, तो वो है पिनाराई विजयन। और केरला की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। केरला के गवर्नर है P Sadasivam जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं। और केरला में पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ओके, अनामुदी सोला नेशनल पार्क, मटिखत्तन सोला नेशनल पार्क, ओके, तो आप याद रखेंगे। और इडुकी डैम भी है और मुल्ला पेरियार डैम भी है केरला में। हुआ सेलेक्टेड एज बारबी रोल मॉडल एंड वाज प्रेजेंटेड विथ वन ऑफ अ काइंड डॉल बाय बारबी एज द कंपनी सेलिब्रेट्स इट्स 60th एनिवर्सरी। तो बारबी एज कंपनी, बारबी एक कंपनी है जो कि डॉल बनाती है, बारबी डॉल आपने सुना होगा, और ये 60वां एनिवर्सरी मना रहा है अपना। और इसमें बारबी रोल मॉडल के तौर पे किसे चुना गया है, तो बारबी रोल मॉडल के तौर पे चुना गया है इंडिया की जिमनास्ट को जिनका नाम है दीपा कर्माकर।
दीपा कर्माकर, ओके, और दीपा कर्माकर के कोच हैं जिनका नाम है विशेश्वर नंदी, ओके, और इनको अभी पिछले साल इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो याद रखेंगे। गूगल ऑन मार्च 12 सेलिब्रेटेड 30 ईयर्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, दैट इज WWW, विथ अ डूडल हु वॉज द फाउंडर ऑफ WWW। तो वर्ल्ड वाइड वेब के 30 साल अभी पूरे हो गए हैं और गूगल ने 12 मार्च को इसको सेलिब्रेट किया है एक डूडल लगा के, ओके। तो WWW का फुल के फाउंडर कौन थे, तो इसके फाउंडर थे टीम बर्नर्स ली, टीम बर्नर्स ली, और इन्होंने WWW डेवलप किया था, इन्वेंट किया था 1989 में, और गूगल के CEO है सुंदर पिचाई, और केविन सिस्ट्रोम ये फाउंडर हैं इंस्टाग्राम के, ओके, और लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ये फाउंडर हैं गूगल के जो 1997 में आया था, ठीक है, और मार्क जकरबर्ग ये फाउंडर हैं फेसबुक के, तो आप याद रखेंगे। कुंबले सुंदर राव एंड गोडे नारायणा हेगड़े आर चोजन फॉर द विच अवार्ड फॉर 2018-19। तो कुंबले सुंदर राव और गोडे नारायणा हेगड़े को कौन से अवार्ड के लिए चुना गया है 2018-19 के लिए, तो ये दोनों को चुना गया है यक्षमंगल अवार्ड के लिए, यक्षमंगल, और कुंबले सुंदर राव और गोडे नारायणा हेगड़े ये दोनों यक्षगाना के आर्टिस्ट हैं, ओके, यक्षगाना आर्टिस्ट हैं, और यक्षगाना एक थिएटर डांस है जो कि होता है कर्नाटका में, तो आप याद रखेंगे। यक्षगाना अंगोपंगा सामा तोलाना विचारा हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर यक्षमंगल बुक अवार्ड, हु इज़ राइटर ऑफ दिस बुक। तो एक बुक है जिसको सेलेक्ट किया गया यक्षमंगल बुक अवार्ड के लिए, और इस बुक का नाम है यक्षगाना अंगोपंगा सामा तोलाना विचार, ओके, और इस बुक के राइटर हैं जी एस भट्टा और अमिताभ घोष, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड 2018 से नवाजा गया, और ये पहले इंग्लिश राइटर है जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। टू एड स्टार्टअप्स फेसबुक हैड लॉन्च, तो स्टार्टअप को मजबूत करने के लिए, उसको और सपोर्ट करने के लिए फेसबुक ने लॉन्च किया है फेसबुक हब्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी वॉज अमेंडेड बाई द सेंटर सो दैट द स्टेट गवर्नमेंट कैन पुट द एनमी प्रॉपर्टीज टू पब्लिक यूज। सो जो भी बेनामी संपत्ति है या फिर जो नोटोरियस लोगों की संपत्ति है उसी को एनमी प्रॉपर्टी कहा जाता है, और अब उसको पब्लिक यूज के लिए स्टेट गवर्नमेंट रखने वाली है, तो ऐसा कौन से पॉलिसी को अमेंड किया गया है सेंटर के द्वारा जिसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को अब यह हक मिल गया है कि वो एनमी प्रॉपर्टी को, अब यह पावर मिल गया है कि वो एनमी प्रॉपर्टी को पब्लिक यूज के लिए रख सके। तो ये पॉलिसी है एनमी प्रॉपर्टी एक्ट 2018, इसको अमेंड कर दिया गया है सेंटर के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल ऐप डिड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेवलप फॉर द लोकसभा इलेक्शन 2019। तो लोकसभा इलेक्शन 2019 के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन से मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया है, ओके, और इसको लॉन्च करेंगे 18 मार्च 2019 को, और ये ऐप का नाम है सी विजिल, जिसका मतलब होता है सिटीजन विजिल, ओके, तो आप याद रखेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 17वें लोकसभा इलेक्शन के लिए डेट अनाउंस कर दी है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोरा, और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं दो उनका नाम है अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। विच कैंपेन इंटर्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ क्लॉथ हैज फॉर डोनेशन। तो कौन से कैंपेन को अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिला है, और ये कैंपेन चलाया गया था फॉर द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ क्लॉथ हैज, कपड़ों के लार्जेस्ट कलेक्शन के लिए, वो भी दान के थ्रू, ठीक है, तो इस कैंपेन का नाम है वस्त्रदान कैंपेन, और ये चलाया गया था उदयपुर के रॉयल फैमिली के द्वारा, और उदयपुर कहाँ है, तो उदयपुर है राजस्थान में, और राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड अ रेंज ऑफ कॉम्बैट ड्रग्स दैट कैन सेव लाइफ्स इन द इवेंट ऑफ वॉरफेयर। तो किसी भी वॉरफेयर सिचुएशन में, ओके, लड़ाई के सिचुएशन में कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने एक रेंज ऑफ कॉम्बैट ड्रग्स को डेवलप किया है ताकि वो जीवन को बचा सके। मान लीजिए कोई वॉरफेयर चल रहा है, कोई लड़ाई चल रहा है, उसमें सैनिकों के जीवन को बचाने के लिए ये कॉम्बैट ड्रग्स को डेवलप किया है, तो ये डेवलप करने वाला ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी, जिनको अभी अमेरिकन इंस्टीट्यूट के द्वारा मिसाइल मैन के अवार्ड से नवाजा गया है, और ये पहले इंडियन है जिनको मिसाइल मैन का अवार्ड दिया गया है। 6 लाख एम्प्लॉयज़ टू बी ट्रेंड टू हैंडल 96,000 BBPRT मशीन इन विच स्टेट। तो अभी 6 लाख एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाना है, मतलब उनको प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वो 96,000 VVPAT मशीन को हैंडल कर सके। तो ऐसा करने वाला राज्य कौन है, तो ऐसा करने वाला राज्य है महाराष्ट्र, और VVPAT का फुल फॉर्म होता है वोटर्स वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल,
और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र में चंदोली नेशनल पार्क, गुग्गामल नेशनल पार्क, तड़ोपा नेशनल पार्क ओके, और भीमा शंकर नेशनल पार्क। हु रिसीव्ड यशवंत राव चौहान नेशनल अवार्ड, तो यशवंत राव चौहान नेशनल अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है भारत के पूर्व रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन को, रघुराम जी राजन, और ये भारत के 23वें आरबीआई गवर्नर थे, 23rd आरबीआई गवर्नर, और 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के शक्तिकांता दास, और वाईवी रेड्डी ये भी आरबीआई फॉर्मर आरबीआई गवर्नर ही हैं, और ये 14वें फिनांस कमीशन के प्रेसिडेंट हैं और 15वें फिनांस कमीशन के प्रेसिडेंट हैं एनके सिंह और प्रणव मुखर्जी, प्रणव मुखर्जी नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, इन तीनों को इस साल मिला है भारत रत्न। जापान अनाउंसेज एन इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹22 लाख फॉर रविंद्र भारती म्यूजियम, इट इज़ लोकेटेड इन, तो ये जो रविंद्र भारती म्यूजियम है ये रविंद्रनाथ टैगोर पे है ओके, तो आप याद रखेंगे। और जापान ने अभी अनाउंसमेंट किया है कि वो रविंद्र भारती म्यूजियम के लिए ₹22 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये रविंद्र भारती म्यूजियम कहाँ है, तो ये रविंद्र भारती म्यूजियम लोकेटेड है कोलकाता में, ये कोलकाता में है यानी कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी में है, और वेस्ट बंगाल के सीएम है ममता बनर्जी, और जापान, जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन, और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे, और जापान की पार्लियामेंट का नाम है डाइट। हु विल हेड द हाई लेवल कमिटी सेटअप बाई दिल्ली गवर्नमेंट फॉर इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन में रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, तो उसको हेड कौन करेंगे, तो उसको हेड करेंगी दिल्ली डायलॉग बोर्ड की वाइस चेयरमैन जैस्मिन शाह। और दिल्ली गवर्नमेंट और पुडुचेरी गवर्नमेंट ऐसी दो यूनियन टेरिटरीज हैं भारत में जिनका खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली है और जिनके खुद के सीएम हैं, तो दिल्ली गवर्नमेंट के सीएम कौन है, तो वह अरविंद केजरीवाल, अनिल बैजल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और मनीष सिसोदिया ये डेप्यूटी सीएम हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं और फिनांस मिनिस्टर हैं। हु ओन ब्रॉन्ज मेडल इन एशियन ओपन लेजर सेलिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन सिंगापुर, तो सिंगापुर में होने वाला एशियन ओपन लेजर सेलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है उपामन्यु दत्ता। और सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है डॉलर, और सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब। तो यह था आज का करंट अफेयर, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।